आज करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन की प्रैक्टिस। तो आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आएंगे, देन वी विल डिस्कस एंड गिव यू द करेक्ट आंसर्स। पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ प्रॉब्लम है मनी के साथ मैनी लगाने की। वैसे तो हम कहते हैं मनी गिन लो, पैसे गिन लो, लेकिन हम मनी के कॉइन्स या नोट्स की बात कर रहे होते हैं। पैसा एज सच अनकाउंटेबल है, तो हम मच मनी कहेंगे। हाउ मच मनी कैन यू स्पेयर फॉर मी? आइए सेकेंड देखते हैं। वॉटर एक लिक्विड है, इसीलिए अनकाउंटेबल है, तो हम कहेंगे गिव मी सम वॉटर प्लीज। नेक्स्ट, वॉटर की तरह फर्नीचर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। बेशक फर्नीचर की आइटम्स बहुत सारी होती हैं और हम उन्हें कहते हैं आइटम्स ऑफ फर्नीचर या फिर पीसेज ऑफ फर्नीचर। सोफा इज अ पीस ऑफ फर्नीचर, राइट? तो अ फर्नीचर कहना या दीज फर्नीचर्स कहना दोनों ही गलत हैं। तो हम कहेंगे आई वॉन्ट यू टू मूव दिस फर्नीचर फ्रॉम दैट रूम। फर्नीचर की तरह इंफॉर्मेशन भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम इंफॉर्मेशन के साथ भी एस नहीं लगाएंगे और कहेंगे ही इज नॉट गिविंग मी एनी इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आप अगेन उसके साथ अ पीस यूज करेंगे। दिस इज एन एक्सेलेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, दिस इज अ ज्यूसी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, दिस इज अ ज्यूसी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑरेंजेस क्योंकि काउंटेबल नाउन्स हैं, इसीलिए आप मैनी ऑरेंजेस कहेंगे। आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट मैनी ऑरेंजेस। विंटर, विंटर एक सीजन का नाम है और ये वन ऑफ अ काइंड सीजन होता है, फिर भी हम सीजन्स के नेम्स के आगे द नहीं लगाते अगर जनरली बात कर रहे हैं। अगर हम विंटर सीजन की या किसी पर्टिकुलर सीजन की डेफिनेट सेंस में बात कर रहे हैं, जैसे आई लाइक द विंटर सीजन, अगर मैं इसके साथ सीजन की बात करूं तो मैं द लगा सकती हूँ। अदरवाइज हमें विंटर के साथ द या अ या कोई भी आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कहेंगे आई लाइक विंटर, आई लाइक द विंटर, आई लाइक अ विंटर, दोनों ही गलत हैं। यहाँ भी ऑरेंजेस वाला ही केस है। बुक्स क्योंकि काउंटेबल हैं, इसीलिए आप बुक्स के साथ मच ना लिखकर मैनी लिखेंगे। क्लीन योर टेबल, हाउ मेनी बुक्स आर लाइंग ऑन इट। नेक्स्ट, यहाँ वाटर की तरह का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर मिल्क है, ऑयल है, वाटर है, दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स, तो ना तो आप मिल्क्स कहेंगे और ना ही उनके साथ आर लगाएंगे। ऑल द मिल्क इज फिनिश्ड ऑलरेडी। नेक्स्ट, बैंगलोर का अच्छा मौसम है, सो बैंगलोर हैज अ गुड वेदर, बैंगलोर हैज अ गुड वेदर। नेक्स्ट, चिल्ड्रन अगेन एक काउंटेबल नाउन है, तो आप मैनी यूज कीजिए। He has so many children. आपके सामने list of words हैं, list of nouns हैं। आपको countable और uncountable nouns पहचानने हैं। Try to do it. Orange, countable. Water, uncountable. Information, uncountable. Weather, uncountable. Furniture, uncountable. Chair, countable. News, uncountable. Child, countable. Pencil, countable. हाउस काउंटेबल। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का सिंपल रूल है, जिसके साथ भी आप एस लगा सकते हैं, जिसका भी आप प्लूरल बना सकते हैं, दैट इज काउंटेबल, एंड जिसके साथ आप एस नहीं लगा सकते वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल, जैसे वाटर, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट एंड सो ऑन। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय।